तो इसमें आपको कुछ रूल्स बनाए गए हैं, वो रूल्स आपने नहीं देखा। चाहिए किसी और का नहीं, फरमाइश नहीं। टेढ़ा इंसान हूँ और मैं हूँ यहाँ पे। खूबसूरती भी, खूबसूरती से बड़ा कमेंट कर रहा हूँ मैं। हाँ, मैं बड़ा मतलब लाइन मारने की कोशिश कर रहा हूँ। कैसे आप जो है मुझे और बाकी लोगों को, कैसे आप चाहें कि इनमें से बेस्ट कौन मेरे साथ होना चाहिए सपोर्ट में? इतने मुंडों को आपने चप्पल निकाल कर मार देंगे? चप्पल तो पूछो मत। एक ना एक लड़का था, उसने मुझे ना ऐसे मेरी ना सहेली को छेड़ा उसने। मैंने बोला तो खुद को क्या सलमान खान समझता, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी फ्रेंड की तरफ आंख उठाने की? तो वो मेरी तरफ आया, बोला तू खुद को ऐश्वर्या राय समझती है? मैंने कहा अच्छा रुक जरा तो मैं बताती हूँ, तो भाग गया वो। देखिए मैम, व्हाटएवर जो भी आपका नाम हो, एक झूठ बोलने का एक तरीका होता है, एक लहजा होता है। यहाँ पर क्या लिखा गया था, किसी भी धर्म को काट कर अपन आगे बात नहीं कर सकते। अब इसमें वाहेगुरु जी की कसम किससे रखा रहे हो? हाँ है। लता जी की किन्हीं दो बहनों के नाम बता दीजिए पहले तो। लता, उषा, आशा और मीना, चार बहन है उनकी। तो इसके कैसे मैं बता सकती हूँ? आप अपना बिना नाम यूज किए अपने बारे में बताइए कुछ, ये बोल रहे हो आप? इंट्रोडक्शन का मतलब नहीं समझती हैं परी जी लगता है। मैं समझती हूँ ना। नहीं समझती तो आपने जो पहले जवाब दिया ना, वो जवाब नहीं होता कि मैं सुंदर हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं अच्छी हूँ। इंट्रोडक्शन में ये नहीं आता। अभी आपका सबसे वन ऑफ द बेस्ट टाइम बड़ी बार बताइए आप। कौन कौन से फ्रेंड्स हैं? दो फ्रेंड होंगे, किसी भी दो फ्रेंड का नाम दे दीजिए आप। बेस्ट फ्रेंड जिनके साथ हमेशा मन खोल कर बात। एक लवली और एक एलेक्स। बरसों से इस प्यासी जमीन के लिए, सॉरी, बरसों से इस प्यासी जमीन पे बारिश के लिए बूंद तक नहीं गीली, आज यहाँ तूफान आएगा। इस डायलॉग को खाली पढ़ना नहीं है, आपको एक फील के साथ में बोलना है। फील के साथ कैसे बोल सकती हूँ? क्यों, आपके अंदर फीलिंग नहीं है परी जी? बरसों से इस प्यासी जमीन पे बारिश की एक बूंद तक न गिरी, आज तूफान आएगा। ट्रांसलेशन पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बारिश होता है, बारिश नहीं होता है। पर जी, वो घर में लोग आते हैं ना तो घबराहट भी तो हो गई है ना। तो मैं भी एक शेयर बोलता हूँ साजी आपके लिए, आप इसके बाद डिसाइड कीजिए किसको वोट करना है। बिल्कुल। सहराए इश्क में प्यासा समय, तो हुस्न के समंदर से तुम, जैसलमेर के दहकते रेगिस्तान समय, जैसलमेर के दहकते रेगिस्तान समय, तो कश्मीर की ठंडी चांदनी सी तुम, एक हसीन ख्वाब के तसव्वुर समय, उसी ख्वाब की ताबीर सी तुम, और एक बेबस बेसबर फरियादी समय, तो रहम दिल शहजादी सी तुम। क्या बात है, माशाल्लाह वोटिंग आपको गई। शाहजी, आपने बर्लिन जी को वोट इसलिए दिया ना कि वो आपको सिलेक्ट कर ले, क्योंकि वो यहाँ के एडमिन है। आपका कीमती वोट मुझे मिले। साजी, मैं कुछ बोलूं आपसे? जी कहिए। मैं चाहूं तो भी इसे बहला नहीं सकता, इसकी हसरत को मैं झुटला नहीं सकता, तेरे होठों की सुर्खियों में है मेरी धड़कन का बसर, मैं चाहकर भी अपने दिल को तेरे होठों के कहर से बचा नहीं सकता। क्या बात है, वेरी नाइस। मेरी बात करने का टोन ऐसा ही है। ओके, आप कहाँ से हो ऐसे? आप मुझे नहीं बताएगी कि मुझे कैसे बात करनी है? आप नहीं होती मुझे बोलने वाली कि मैं कहाँ से। ओह माय गॉड, आप बिग बॉस में रहोगे? अगर इन फिल्म दोनों बिग बॉस में जाते हैं तो मैं आपसे पूछूंगी, आप मेरे को ऐसे बोलोगे, प्यार से नहीं बोलोगे? जब आप सिलेक्ट होगी तब ना। अरे जाने मन, हम तो जहाँ जाते उधर होके आते हैं, हमें नीचे नहीं है। ना ना, अरे यार कॉन्फिडेंट है, कॉन्फिडेंट। सुनो सुनो, मेरा इरिटेट क्यों? अरे सुनो ना, आप कहाँ से हो? मैं क्यों बोलूं आपको मैं कहाँ से हूँ? ओ हाय रब्बा, आप कहाँ से अपने बोलोगे? अब इरिटेट हो रहे हो यार। आप जाना नहीं जा सकती हीर। यार मेरा गला पूरा बैठा है, जुकाम बहुत है। चलो मैं हीर के लिए गा लूँ क्या? बिगड़ जाए
आपने गाना तो नहीं गाया, पर आपको इसके बदले एक टास्क करना पड़ेगा, ठीक है? ठीक है। दो लड़कियां जब मिलती हैं तो तीसरी लड़कियों की खिंचाई करती हैं, टांग खिंचाई करती है, बैक बैटिंग करती हैं, इसका तो आपने देखा ही होगा, किया भी होगा। आप दोनों को मिल के आपको अब मिस्टी से बात करके टोक्यो की बैक बैटिंग करनी है। नहीं होता, अब यहाँ मजाक कर रही है, इतने हल्के में ले रही है, टाइम वेस्ट कर रही है अपना भी और सबका। आपको यहाँ जो टास्क मैंने सिर्फ टास्क नहीं दिया जाएगा ना, तो कौन से टास्क मैंने नहीं किया ये बताइए आप जरा। आप उस टाइम से गाना गाने को बोला जा रहा है, क्या कर रही है? कभी कह रही है मुझे ओल्ड हुआ, कभी कह रही है ये टास्क है। हाँ ये टास्क, ये टास्क है, कब गाना गाइए, टास्क है तभी ना बोला जा रहा है आपसे। ये बिग बॉस या सिंगिंग का शो है, वो हम डिसाइड करेंगे क्या है, क्या डिसाइड करेंगे क्या है ये। बिग बॉस के इवेंट में सिंगिंग नहीं होती, ये चीज मानती हो ना आप? बिग बॉस के, बिग बॉस आई थिंक आपने देखा भी होगा, रियलिटी शो ओटीटी या कलश पर, उसमें फ्लडिंग, उसमें फ्लडिंग भी होती है, देखी आपने? बिल्कुल देखी है। चलिए एक काम करिए, ये जो तीन नंबर पे तरमिश्वर तरन बैठा है, इसके साथ में एक इतनी दमदार फ्लडिंग करिए जिससे कि बंदा पिघल जाए। ओ, मतलब मैं अपना ब्रेकअप करूं बिग बॉस की वजह से? व्हाटएवर, जो भी हो, आप सॉन्ग के लिए टास्क नहीं ले रहे हो, फ्लर्टिंग के लिए टास्क नहीं ले रहे हो, आपको रिलेशन पर चाहिए, ऑडिशन मत दीजिए, टूट जाएगा रिलेशन आपका, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे को तो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल, हां हां, आपके अंदर वो गेम स्पिरिट दिखने नहीं रही है, आप इतना भी कन्विंस नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल, वेस्ट कर रही है टाइम अपना भी और हम सब का भी। ठीक है, आगे अभी नॉलेज लेके आएंगे, क्या करने यहां पे? बोले तो निब्बी टाइप की नहीं होनी चाहिए, स्मार्ट होनी चाहिए। निब्बी, निब्बी मतलब क्या होता है? तो निब्बी मतलब वो थोड़ी छपरी टाइप की लड़कियां होती है ना। निब्बी मतलब छपरी? हाँ छपरी टाइप की, मतलब वो बाबू सोना जादू टोना वाली टाइप की, वैसी लड़कियां। अपने अभी निब्बी और छपरियों के बारे में, निब्बी और छपरियों के बारे में। जी बिल्कुल, एक नंबर का कहना है जो बाबू कहते हैं वो छपरी होते हैं। अच्छा ओके, आपसे तो निब्बी ये छपरी जो ये कह रहे हैं ये शायद यही है, इसलिए इनको ज्यादा पता है। रोज देख के इनके चेहरे पे मुस्कान ला सकता हूँ, क्योंकि एक रोज देख के तो हर किसी के चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। क्योंकि आपके पास इसलिए नहीं है कुछ कहने के लिए, क्योंकि आप इतनी बुराई कर चुके हैं लड़के लोग के लिए कि अब कुछ है ही नहीं सफाई।